हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु। मैं हमेशा कोशिश करते रहता हूँ कि आप लोगों को एक एक नया नया वीडियो अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाते रहूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा वीडियो जो है वो रैंक नहीं कर पाता है, पता नहीं किस लिए, शायद मैं हिंदी में बोलता हूँ। अगर वैसा है तो आप मेरा पिछले वीडियोस देख लीजिए, मैं क्यों हिंदी बोलता हूँ उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। और मेरी वीडियोज पे व्यूज किस लिए नहीं आ रहे उसके बारे में मुझे थोड़ा सा भी कुछ भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं रॉ मटेरियल हूँ इसलिए शायद ऐसा हो सकता है। बट आई डोंट केयर, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। इसी उम्मीद पे मैं यूट्यूब छोड़ा नहीं अभी तक, इंशाल्लाह। तो गाइज आज अंधेरा थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्योंकि मैं अभी हाईवे पे हूँ, एक इमरजेंसी वीडियो करने के लिए मैं अभी रुका हूँ। NH-37 के ठीक के बगल में ही खड़ा हूँ गाड़ी रोक के। एक्चुअली मैं बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, शायद आपको पता चल ही गया होगा। मैं आज भी वीडियो अपलोड नहीं करना चाहता था, मगर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोलने के लिए मैं आज का जो वीडियो है वो अपलोड किया हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप बहुत दिन मेरे फेस पे मास्क नहीं देखे होंगे, बट आज मैं मास्क पहना हुआ हूँ। तो गाइज ये जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपको भी उम्मीद हो चुका होगा लॉकडाउन या फिर उस टाइप का कुछ माहौल असम में क्रिएट हो सकता है, और अनफॉर्चुनेटली वैसा ही हुआ। आज 20 अप्रैल 2021 पे, और जो कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी इलेक्शन से पहले, बट सबको डाउट था कि ऐसा कुछ जरूर होने वाला है। जहाँ पे COVID-19 की टाइम पे हम लोग का यहाँ पे इलेक्शन होता है, और इलेक्शन होने के बाद जब इलेक्शन का कैंपेनिंग हो रहा था, हजारों आदमी एक साथ विदाउट एनी सोशल डिस्टेंसिंग विदाउट एनी मास्क, सभी लोग बहुत बुरी तरह से कैंपेनिंग भी कर रहा था इन फ्रंट ऑफ पॉलिटिशियंस, और उसके बावजूद भी उन लोगों के थ्रू कोई भी ऐसा कदम नहीं लिया, प्रोटोकॉल अप्लाई नहीं हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन खत्म होने के बाद, इलेक्शन से पहले ही सबको एक डाउट था कि इलेक्शन के टाइम पे या फिर इलेक्शन के बाद जरूर लॉकडाउन होने वाला है, और यहाँ का जो मिनिस्टर्स है वो लोग बोलता रहा कि कोरोना तो है नहीं अभी, जब होगा मैं आपको बता दूंगा। मतलब क्या ही है ये, एक बहुत कॉमिक हो रहा है असम पे। असम का बाहर का स्टेट के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, ये असम के बारे में है, मैं असम में रहता हूँ और इसीलिए असम के बारे में ही मैं बोलूँ। उस टाइम पे कोरोना क्या उस टाइम पे बैठ गया था, कोरोना नहीं गायब हो गया था, पूरा कोरोना था ही नहीं। जब इलेक्शन खत्म हुआ, अभी काउंटिंग अभी तक शुरू नहीं हुआ, काउंटिंग से पहले ही धीरे धीरे करके ऐसा लॉकडाउन तो कम्प्लीटली नहीं दिया है, और 21 में भी आज के डेट पे सब दुकान 6 बजे के बाद बंद होना चाहिए, अल्टीमेटली वो कर्फ्यू हो गया, फिर अल्टीमेटली वो आफ्टर 6 लॉकडाउन हो गया। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, कोरोना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। स्कूल बंद दे दिया, स्कूल का जो एग्जाम था वो पोस्टपोन कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आफ्टर 6 PM कोरोना उसी टाइम पे आता है। लॉकडाउन के बाद जितना कोविड का ग्राफ बढ़ता गया समझ में नहीं आ रहा था, तब तो पूरा लॉकडाउन था, तब इतना क्यों बढ़ा था। देखिए आम आदमी जो है वो इतना बुड़बक नहीं है, सब लोग डाउट किया था कि अभी इलेक्शन के बाद असम में लॉकडाउन जरूर होगा, और यहाँ का जो मिनिस्टर्स है वो लोग भी ऐसे बोलना स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे कि असम में लॉकडाउन नहीं होगा, अगर 6 बजे के बाद पूरा बंद ही होगा तो अल्टीमेटली लॉकडाउन ही तो है। आज पहला दिन है इसीलिए शायद इतना स्ट्रिक्टली बंद नहीं किया होगा, कल के बाद या कल परसों के बाद जरूर पूरा स्ट्रिक्टली मानना पड़ेगा। 2 तारीख को वोटिंग का काउंटडाउन है, रिजल्ट आएगा,
टू मई और 30 अप्रैल तक ऐसा ही चलेगा, मतलब 6 बजे के बाद पूरा दुकान, कोई भी ऑफिस कचहरी हो, सब कुछ बंद रहेगा। इससे पहले क्यों नहीं था भाई? कोई भी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, कोविड बहुत बढ़ रहा था, बहुत बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा। कितना आदमी मर चुका है, कितना आदमी मरेगा और कितना आदमी मरने वाला है, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन सभी को ही मालूम चलेगा। जो भी करना है बहुत अच्छी तरीके से आपको करना है, क्योंकि सरकार के हाथ पे ही हम लोग हैं अभी। पहले सरकार के ऊपर हम लोग का भरोसा या फिर सरकार के ऊपर हम लोग का डर, ये सब कुछ नहीं था। अनफॉर्चुनेटली अभी जो है सरकार को भरोसा से काफी पहले डर लगता है। अभी सहम जाता हूँ कभी कभी, ऐसा होने बिल्कुल मत दीजिए। इंडियन सिटीजन है और ये रिपब्लिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको जीने का हक है, सबको बोलने का हक है। अगर हम लोग सरकार के विरुद्ध कुछ बोलूंगा या फिर आप बोलेंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर होगी। कुछ साल पहले तक सब युवाओं का एक जोश आया था कि हमको भी इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन खेलना है या फिर इलेक्शन के साथ हम लोग खड़ा होना है। उससे पहले हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचा था कि सरकार या फिर पॉलिटिक्स से बहुत दूर भागना चाहता था, बट अभी ऐसा लग रहा है नहीं, सही में यार पॉलिटिक्स हमको बिल्कुल भी हजम नहीं होगा। पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज है, अभी ऐसा महसूस हो रहा है। हम लोग युवा जो है वो देश का शान है, देश का फ्यूचर है, प्लीज इसको बने रहने दीजिए, डराइए मत। जितना डराएंगे उतना सहम जाएंगे और सहमने के बाद या फिर कुछ अच्छा होगा या फिर बहुत खराब होगा। दैट इज ऑल डिपेंड ऑन द सरकार। दैट्स इट, आज का वीडियो इतना ही। बुरा लगा डिसलाइक मार दो, अनसब्सक्राइब कर दो, कुछ भी कर दो, दिल की बात बोला हूं, जो करना है आप लोग करो, सब्सक्राइब करो या चाहे ना करो। आज का वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय एट होम, बाय बाय।